Hello students, good morning to all. I hope you are all fine and your study is going well. So students, we shall study today Economics Chapter 1, Class 9, Part 5 video. Okay? इससे पहले Part 2 जो video है, वो मैंने WhatsApp group में डाल दिया है. I hope you have seen that once. And इसमें मैंने पूरे clear बताया है किस तरह से पालनपुर में जो modern एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो मॉडर्न सिस्टम था एग्रीकल्चर का, वो कैसे प्रभावित किया है. सो आई होप यू हैव सीन दैट वन. नाउ द टुडे इज दिस अ स्टडी हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर. पालनपुर जो गांव है वहां पर किस तरह से जो लैंड है वह पालनपुर विलेजेस फैमिलीज के पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे. सो लेट्स स्टडी द पॉइंट दैट इन पालनपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. जो पालनपुर गांव है स्टूडेंट्स, उनमें जो 1/3 है 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है 150 फैमिलीज. मोस्ट ऑफ देम दलित, जिनमें सबसे ज्यादा कौन है दलित है, जिनके पास जमीन नहीं है एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, कृषि फार्मिंग. जिनके पास जमीन न होने कारण वो खेती नहीं कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये पालनपुर का डिस्क्रिप्शन है जो अभी हमने इस पॉइंट के माध्यम से समझा. अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या है स्टूडेंट, लेट्स सी. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, जो फैमिली बचा हुआ है पालनपुर में, ओके, हु ऑन लैंड, जिनकी अपनी जमीन है 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल क्रॉप्स. जो 240 फैमिलीज हैं वे क्या करते हैं, स्मॉल क्रॉप्स. क्रॉप्स मीन जमीन पीस ऑफ लैंड, जो जमीन का एक क्रॉप होता है, ओके, एक भाग होता है जिसे क्रॉप बोलते हैं. तो जो यहाँ पर है 240 फैमिलीज जो हैं, वे उनकी अपनी जमीन है स्मॉल प्लॉट, इस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं. ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, जिनके पास कितना है 2 हेक्टेयर में जमीन है, जो क्या करते हैं उस पर खेती करते हैं. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. एडिक्वेट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, सफिशियंट. माने जो जमीन का पीस, जो जमीन का प्लॉट बचा हुआ है पालनपुर के जो 240 फैमिलीज हैं जिस पर खेती करते हैं, वह खेती इतना छोटा है जिसके कारण क्या होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में उनको क्या मिलता है, एडिक्वेट इनकम नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, सही से वे अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं. ओके, सो आई होप फ्रॉम 2 पॉइंट्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स अबाउट द पालनपुर विलेज. इन द नेक्स्ट पॉइंट वी शुड स्टडी मोर. ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट्स सी दैट. ओके, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर अराउंड द विलेज इन पालनपुर. यस, जो बहुत सारे नंबर के जो प्लॉट्स हैं पालनपुर में वो क्या है, स्कैटर. स्कैटर मीन्स जो छोटे छोटे पार्टों में क्या वो बटा हुआ है अराउंड द विलेज इन द पालनपुर. पालनपुर जो गांव है वहां पर जो लैंड है वो कई भागों प्लॉट में क्या हुआ है, बटा हुआ है, ठीक है ना. दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, मतलब ये जो जमीन है पालनपुर का स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर डिविजन्स किए हुए हैं ये क्या है, कौन इसको कल्टिवेशन करता है, फार्मर कल्टिवेशन करते हैं. ओके, जो स्मॉल फार्मर्स हैं पालनपुर में वे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं. तो
में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर यदि हम देखें मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। देखिए एक साइड हम देखते हैं पालनपुर में विलेज है, वन साइड हम देखें तो जमीन जो है पालनपुर का वो क्या है कई भागों में बटा हुआ है, स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में बटे हुए हैं। बट एक और हमें पालनपुर का जो विलेज देखें मतलब एरिया देखें वो क्या है बड़े बड़े प्लॉट में बटे हुए है ना। मैंने वन साइड हमने देखा कि पालनपुर जो गांव है पालनपुर का एक साइड जो गांव है वहां के जो फैमिली हैं जो उनका स्मॉल प्लॉट्स में क्या करते हैं खेती करते हैं ओके स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में बटे हुए हैं। बट एक साइड पालनपुर में जो क्या है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज जो क्या है साइज में बड़े हुए हैं। इस तरह से हमने देखा इस टॉपिक इस वीडियो में कि पालनपुर जो विलेज है उसमें जो लैंड का जो कैटेगरी है वह कई भागों में बटा हुआ है, कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है तो कहीं बड़े भाग में बटे हुए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन दैट हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। पालनपुर के जो फार्मर हैं उनके पास किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है ठीक है ना। सो यू विल वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट रीड द बुक स्टूडेंट बिकॉज रीडिंग द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन यू विल रीड द बुक योर कॉन्सेप्शंस विल क्लियर अबाउट इट ओके। सो दिस इज अ टॉपिक नंबर 4 ओके थैंक यू।